दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके स्मार्टफोन के अंदर, आपका किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन है और अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर दोस्तों उसको आप रीसेट करना चाहते हैं, फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं, फुल रीसेट करना चाहते हैं, ताकि आपके फ़ोन के अंदर कोई सेटिंग्स छिड़ चुकी है, किसी कारणवश कोई मेलवेयर्स आ चुका है, कोई वायरसेस आ चुके हैं, उनसे बचाना चाहते हैं, तो गाइज ये कैसे किया जाता है आज की इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप हमारी ये वीडियो को कंप्लीटली ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए दोस्तों आपको अपने फोन पर जाना है और सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। सेटिंग्स को जैसे ही आप ऑन करेंगे उसके बाद आपको स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करते हुए दोस्तों यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है बैकअप एंड अकाउंट का। बैकअप एंड अकाउंट पर आपको क्लिक करेंगे, यहां पर आपका बैकअप एंड अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी। लेकिन नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है रीसेट का। इस रीसेट वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे तो यहां से आप ऑल रीसेट सेटिंग कर सकते हैं। अगर ये ऑल रीसेट सेटिंग आपके इस जगह पर शो नहीं हो रहा है तो आपको सर्च पर जाना है और यहां पर जैसे ही आप रीसेट करते हैं रीसेट लिखेंगे, रीसेट लिखने के बाद आपके फोन की रीसेट्स वाली सेटिंग यहां पर आ जाएगी और इसके अंदर ये ऑप्शन मिलता है ऑल रीसेट का। यहां से आप अपने फोन को ऑल रीसेट कर सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ आओगे तो आपके फ़ोन के अंदर रीसेट ऑल सेटिंग का ऑप्शन आएगा। अगर आपको सेटिंग्स ही रीसेट करनी है, लेकिन अगर आपका डेटा का एक तो आपको बैकअप लेना है, आप चाहते हैं कि पूरा बैकअप हमारा किसी एसडी कार्ड में, किसी मेमोरी या किसी स्टोरेज के अंदर चला जाए, उसके बाद में हम अपने फ़ोन को रीसेट करें, तो आप एक्सटर्नल पर बैकअप ले लीजिए, उसके बाद रीसेट करिए। और एक ऑप्शन और होता है फैक्ट्री रीसेट डेटा का, जिसका मतलब है कि आप अपने फ़ोन का कंप्लीटली फैक्ट्री रीसेट करेंगे जिसमें आपका सारा डेटा यहाँ से करप्ट हो जाएगा। तो गाइज इन सभी सेटिंग्स का आप यूज करते हुए आप अपने फ़ोन को परमानेंटली फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। अगर आपको सेटिंग्स चाहिए तो यहाँ जाकर आपकी लैंग्वेज सेटिंग्स, अकाउंट, पर्सनल डेटा, कुछ एप्लीकेशन, सभी की सेटिंग्स चेंज हो जाएगी। आपका फ़ोन बंद होकर वापस रीस्टार्ट होगा और आपकी ये चेंज हो जाएगी। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप भी अपने फ़ोन को कंप्लीटली फैक्ट्री रीसेट या फिर कंप्लीटली सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं। अगर आप ये करना चाहते हैं और अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा हो एंड अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल के जरिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा काम की रहती है एंड बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है एंड पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।